सो फाइनली अपनी गाड़ी को लेकर हम आ चुके हैं भाई इधर खड़दुंगला पास। हाँ जी सर, क्या बन रहा है फिर आज? आज बन रहा भाई, आज क्या है? प्याज की सब्जी बना रहे हैं। कौन कहता है कि छोटी गाड़ी जो है भैया लद्दाख नहीं कर सकती? ये देख लो हमारी फ्रॉन्ग साथ साथ चल रही है। एक भाई ये है हमारे साथ, ये भाई चंडीगढ़ से यहाँ तक आ रखे हैं स्कूटी लेके। प्रचार नहीं रुकना चाहिए, भाजपा का पक्का कार्यकर्ता है पक्का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेटा फिर एक बार आपके सामने आते एक नए व्लॉग के साथ में। तो भाई आज हमारी मॉर्निंग हुई है लेह में, और लेह में इतनी बढ़िया मॉर्निंग हुई है। सुबह उठते ही जो नज़ारा दिखे एकदम बढ़िया बढ़िया पहाड़ और ये मोनेस्ट्री टाइप की, इधर देखो यार क्या शानदार व्यू है भाई यहाँ का। ये हमारे होटल से बाहर का व्यू है, बढ़िया है एकदम। यहाँ से इधर की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगी लेह मार्केट, और भाई इधर ये सामने आपको व्यू मैंने दिखाई दिए। ये हमारा रूम है जिसमें हम स्टे कर रहे थे पूरा एकदम, देख लो दो बेड यहाँ पे हो गए, एक बेड यहाँ पे मिल गया, दो वॉशरूम है एक इधर। तो भाई अपना ये पूरा ये रूम है बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यू के साथ में। अगर किसी भाई को भी आना हो, रॉयल पैलेस नाम है ले पे, घोड़ा चौक से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे। अगर आपको किसी को पता हो जो भी आएगा ले, जहाँ पे घोड़ा चौक है, घोड़ा चौक से 100 मीटर की दूरी पे है ये होटल, रॉयल पैलेस नाम है। और बढ़िया है भाई, हमें तो यहाँ पे सारी सुविधा अच्छी लगी इनका, मतलब जो भी हम कॉल करके मंगा रहे थे तुरंत आ रहा था, और बाकी सब बढ़िया यार। अपना खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ है। तो अगर आप आओ कभी ट्राई करना चाहो तो कर लेना। निकल रहे हैं भाई अपना यहाँ से, और अब चल रहे हैं लेह की मार्केट घूमने, फिर वहीं पर अपना कुछ खाएंगे पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकलेंगे सीधा हम खड़दुंगला पास। ठीक है जी, चलते हैं लेह मार्केट। और हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमको भाई वहाँ पर जाके बनवाना है पास। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो पूरा, अगर आपको लद्दाख घूमना है उसके लिए भी पास बनते हैं, तो भाई पास जरूर बनवा लेना, अदरवाइज आपको आगे रोक दिया जाएगा। आप आगे पैंगोंग लेक, खड़दुंगला पास, उमलिंगला पास और हान ले वाले कुछ भी नहीं घूम पाओगे अगर आपके पास पास नहीं होंगे तो। हमारा सारा पैकअप हो चुका है, नहा धोकर फुल रेडी है। ठीक है जी, तो चला जी, चलो जी। गुप्ता जी देख लो हमारे, गुप्ता जी कैसा फील कर रहे हो? हाउ इज योर जोश? मीडियम नॉट आई। चलो भाई, है जी निट निट तो सो गए। अरे 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 भैया, कैसे चक्कर आ रहे हैं? सोने दो, इन तो चक्कर ही आ रहे हैं। हां सोने दे रहे तो पूरी गाड़ी सोता है यार, पूरी गाड़ी में सो गए। रात तो 11 बजे सो गए और सुबह उठा 8 बजे। स्पेशल बेड बना के दियो। हां 12 बजे तो वहाँ से आए थे ना, गाड़ी में स्पेशल बेड बना के दिया ना भैया। हाँ, फिर भी ना मन है फिर गुद्दी लाल करनी पड़ेगी। करो गुद्दी लाल, करूँ बेड बना के सो रहे भाई, वाह वाह। तो भाई ये देख लो, ये है पूरा होटल रॉयल पैलेस, बढ़िया बना हुआ एकदम। और इसी के साथ ही राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो? वह बढ़िया जी बढ़िया। ये इसका भाई पीछे गार्डन वगैरह सब चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप आओगे तो फुल एंजॉयमेंट कर पाओगे। फैमिली के लिए भी बहुत बढ़िया है, लड़के लपाड़े आओगे तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। बात करें भाई यहाँ के प्राइस की, तो भाई प्राइस जो हमको पड़ा भाई 4000 रुपये का पर रूम पड़ा था, तो दो रूम हमने लिए 8000 रुपये के पड़ गए थे। इन्होंने हमको जो चार्ज करा था 1000 रुपये पर बंदे के हिसाब से करा। तो अगर आप आओगे जैसे यहाँ पर, तो दो बंदे के लिए यहाँ पर 3000 रुपये में दे देंगे आपको। जितनी धूल चढ़ेगी चढ़ दो आपका लद्दाख की, सारी चढ़वा कर लेके चलेंगे। यहाँ पर भाई हमारा सारा सामान रखा जा रहा है, अब जल्दी से लोड करते हैं और फिर यहाँ से फुर्र हो जाते हैं फुर्र। लो जी लो भाई, हम आ चुके हैं लेह मार्केट में। अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि अभी टाइम ही देखो तो आप 10:15 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा। बाकी घूमने का मज़ा इधर रहा है रात में, जो बात है रात को आओ तो लाइटिंग वाइटिंग होती है ना, अच्छा लगता है काफ़ी। यह है पूरी लेह मार्केट, मॉल रोड कहते हैं इसको लेह का।
तो भाई अभी चल रहे हैं यहाँ पे, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। पर वही वाली बात है, यहाँ पर ना थोड़ा सा जैसे चलने में थोड़ी चढ़ाई करने में सांस फूल जाते बहुत जल्दी। बट उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करना है, फर्स्ट टाइम आपका विजिट है, तो भाई एटलीस्ट आपको 2 दिन तो यहाँ पर रुको लेह में ही, अपना लेह घूम लो 1 दिन पूरा, और मतलब 2 नाइट यहाँ पर स्टे कर लो, उसके बाद आप चलो आगे के लिए। और उसी के बीच अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक डायमॉक्स करके टैबलेट आती है, वो आप यहाँ पर ले सकते हो सुबह शाम ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। अमर कैफे आ गया। चलो जी आप हिमालय कैफे पे चलते हैं भैया, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बढ़िया एकदम आलू प्याज के पराठे हैं, दही हो गया, जीरा जीरा मंगा लिया, अपना खुद ही अपना रायता आया था यही बना लिया, अंदर की बात ही न छोड़ी है भाई। बाहर भाई अपना बैठ के यही नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ से निकलेंगे बाहर के लिए, चारों रूट आपको बताएंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर ले फिर बता। प्रियांश भाई है, कर ली शॉपिंग ना करी? अरे तो नहीं चाहिए, लगाकर दिखाएगा आप का, लगाकर दिखाएगा बन जाएगा कुत्ता, विग लगाने की जरूरत नहीं। तो मैंने भी हद्दी कर दी भाई साहब, कुत्ता आ रहा। सो भाई अपना तो ब्रेकफास्ट हो गया, अपनी गाड़ी का भी करवा लेते हैं है ना, लो तो अपनी गाड़ी का भी ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ से टैंक फुल करा रहे हैं, और टैंक फुल करा कर अभी यहाँ से हम चल रहे हैं सीधा खरदुंगला पास, खरदुंगला पास से जाएंगे फिर लुबरा वैली। तो अभी तक तो फिलहाल ये प्लान है, बाकी और आगे का देखेंगे अभी जैसे भी होगा, ठीक है। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ पे, कभी धूप भी निकल रही है, कभी छाव भी है, और ठंड फिलहाल तो नहीं है बट शाम का टाइम हो जाता है ठंड जो भी है, तो वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर बढ़िया है यहाँ का अभी। अगर कोई भाई प्लान कर रहा हो तो आ जाओ, उड़े उड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पे पास बनता है वो कितने का बनता है। अगर आप पूरा लद्दाख घूमोगे, जैसे कि हाल ले ओमलिंगला नुबरा वैली खरदुंगला पास और जो भी एक दो पास और हैं इसमें इंक्लूड, तो अगर वो सारे आप घूमोगे तो उनका भाई पास बनता है आपका टोटली 462 रुपये का पर पर्सन, और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है केवल और केवल आधार कार्ड की। सो भाई अगर आप यहाँ पर आ रहे हो बिगर पास के मत जाना, वरना आपकी गाड़ी आगे रोक दी जाएगी, जैसे आप यहाँ पर हमारा चेक हो रहा है, तो भाई वैसे इसी चीज़ का ध्यान रखना। नज़ारा देखो भाई क्या शानदार शानदार नज़ारा आ रहे भाई, ये नुबरा वाले रूट पर है, अभी पहले पड़ेगा खरदुंगला पास, फिर उसके बाद आएगा नुबरा वैली के लिए। सो नज़ारे भाई काफ़ी शानदार आ चुके हैं, पूरे सूखे सूखे पहाड़ एकदम, ये देख लो जी गाड़ी में बैठे कंबल ओढ़ के, इनको पड़ रहे बर्फ सामने, बर्फ हो और ठंड यहाँ लग रही है, ठंड नहीं लग रही है भाई, फिर क्या लग रहा है, सर दर्द हो रहा है। अच्छा ठंड नहीं लग रही, टी शर्ट में बैठा हूँ, वो ये नहीं कह सकता ठंड लग रही है, दो गोली खाई बाकी तबीयत ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पे ईवी कार की टेस्टिंग हो रही है, हैरियर है, पंच है और सफारी है, और भाई ये मेरे कर्व लग रहे, कर्व कर्व है, कर्व शायद उसका ये पूरा वो मामला। तो भाई देख लो तुम्हारे भाई ने तुम्हें नई नई गाड़ी आने पहले दिखा दी, क्यों भाई टाटा के जीएम हमारी गल चल रहे पन्नी वन्नी फाड़ के देख लेते हैं अभी, पर ये गुजर जाते हैं, मैं तो ड्राइवर ट्रैवल लेने के लिए, तो तुम बता रहे हो ना हम जीएम है ना, हमें दिखा दे ला कैसे, हम अपना अपना बता देते हैं और क्या दिखा देते हैं, और ईवी वाले तो पीछे आ रहे हैं हमारी गाड़ी में, हां पीछे पूरी टीम यार तारी, अभी सारा कुछ बता देंगे कितनी बैटरी क्या है, सही बात है। सो फाइनली अपनी गाड़ी को लेकर हम आ चुके हैं भाई इधर खरदुंगला पास, ये देख लो ये है भाई खरदुंगला पास, 17,982 फीट की ऊंचाई पर है ये खरदुंगला पास, आपको चल के एक बार पॉइंट दिखाते जहाँ पे फोटो वोटो सब क्लिक कराते हैं, चलते जरा वहाँ पे। फिलहाल ये रही हमारी शेरनी और ये रहा खरदुंगला पास। स्नोफॉल देखो भाई ऐसा लग रहा पूरा जैसा अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई हो पूरा भाई, क्योंकि बस इसी पहाड़ पर है और नहीं है इधर आसपास कहीं भी। बाकी भाई नज़ारा देख लो खरदुंगला पास का पूरा, ये है भाई पहले जो है पहले जो माना जाता था भाई, पहले इसको बोला जाता था वर्ल्ड का टॉपेस्ट पॉइंट, बट अब जो है अब वर्ल्ड का टॉपेस्ट पॉइंट है उमलिंगला पास, तो पहले इधर बोला जाता था बट अब चेंज हो गया है और उमलिंगला हो गया है,
भैया सब के सब बारी बारी यहाँ फोटो खिंचवा रहे इस टैग के साथ में, वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खरदुंगला ऑल्टीट्यूड 17982 फीट। ये देख रहे हैं तो भाई अपना फोटो वोटो खिंचवा लिया यहाँ पे और वीडियो ही बनवा ली। ज़्यादातर लोग सब आते हैं फोटो खिंचवाई और अपना चल दिए। और यहाँ पे अगर आप खाने पीने की बात करो तो दो चार रेस्टोरेंट हैं, उन पर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर खाना वाने का मन हो तो। वैसे तो खैर मुझे लगता नहीं यहाँ पे खाना इतनी जी इजीली होता है, हर कोई खा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है। तो थोड़ा बहुत आप अगर आप चलोगे फिरोगे तो उसमें भी क्या होता है ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से ऐसा होती है। तो भैया बस वही है, बाकी ये भाई पहले हमारे ना ले में इसको बोला जाता था हाईएस्ट पॉइंट, बट अब जो है अब है उमलिंगला पास, पिछले 1.5 साल से उसको ही प्रमोट किया जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट के नाम पे। वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है वो उमलिंगला पास। सो अभी हमने एक पास तो कर लिया है, अब करेंगे दूसरा वाला। तो चलते हैं आगे के लिए, फिर आपको सारा कुछ एक्सप्लोर करवाते रहेंगे। बाकी भाई रास्ते की बात करें तो रास्ता यार ये लगा लो 20% ठीक है, बाकी भाई 80% खराब है यार ले से खरदुंगला तक का। सामने देखो भाई कितना भयंकर मौसम हो रखा है, इस टाइम स्नोफॉल हो रही होगी भाई पक्का, जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ना भाई सामने का। ये देखो भाई पूरा जूम करके दिखाता हूँ एक बार, पूरा भाई भयंकर वाला मौसम बना हुआ है। यहाँ तो धूप निकल रही है पर वहां देखो भाई ऊपर ओए होए ऐसा लगा जैसे स्नोफॉल हो रही हो। कौन कहता है कि छोटी गाड़ी जो है भैया लद्दाख नहीं कर सकती। ये देख लो हमारी फ्रोंग साथ साथ चल रही है पूरा भाई, जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ जी, और तरीके से जा रहे कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। भाई कोई प्रॉब्लम है जब तक गाड़ी से लेकर के सही चल रहे ना एकदम पूरा एक नंबर। तो मतलब 4x2 और छोटी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हवा बना रखा है 4x4 ही लेके जाओ और ऐसा जाओ, छोटी गाड़ी है थोड़ी बहुत लगती है नीचे का थोड़ा बहुत, हाँ बढ़िया है पास हो जाते सही कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो भैया फ्रॉन्ग्स भी हमारे साथ साथ चल रही है पूरा, 4 दिन से स्ट्रगल कर रही है तरीके से, जहाँ जहाँ थार जा रहे हैं वहीं वहीं लगा कि भाई ये ड्रॉप हो रही है इसकी, हाँ वगैरह कुछ भी नहीं था पर बढ़िया चल रही है। चलो भाई इसमें फ्रॉन्ग्स के भी नंबर बन गए मारुति सुजुकी वाले के जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए अभी वीडियो बनो भाई सब चीज होगी पूरे डांस गाना सब 12 बजे चली वीडियो आ रही आ जाओ बैग बैठाओ आ जाओ सीधा जाओ भाई है? जो भी है सारी थकान सारी उल्टी दस्त सब खत्म हो जाएंगे दो दिनों पियो सेट दो टाइम लगाएंगे। गुप्ता जी आ रहे हो ना, आ रहे बाहर मैं आ रहा हूँ चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ आप बैठो देखो ऐसा लगा बाइकर सो बाइकर हैं हाँ मेरी जा। तो भाई हमने ना ये वाला व्यू देखा उसके बाद मैंने कहा यार एक बार रुक के थोड़ा सा देखते खड़े होके खड़े होकर देखने में अलग ही मजा आ रहा भाई। चलते चलते तो होता कि हाँ भाई वीडियो बना रहे हैं बार बार स्टोरी डाल रहे हैं सब चीज़ कर रहे हैं, बट अब जहाँ खड़े हैं ना ऊपर से धूप पड़ रही है भाई चारों तरफ का नज़ारा
बेहतरीन है यार वाकई में। नुब्रा वाला रूट जो है ना भाई, खरदुंग लहसा जो हमने नुब्रा का जो रूट स्टार्ट किया है पूरा बढ़िया है। बीच में समय थोड़ा बहुत टूटा फूटा है और अभी काम चल रहा है भाई सही। आने वाले टाइम में ना टॉप रोड बन जाएगा एकदम बेहतरीन वाला, गजब रोड है। मतलब चलाने में गाड़ी इतना मजा आ रहा है ना रियली यार, शानदार भाई। देखो किसी को तो शौक हो रहा है कि भाई मेरे गाड़ी से जाना है, बाइक से लेके जाऊंगा, ऐसे करूंगा, लद्दाख में जाकर कैंपिंग करूंगा, वो करूंगा, वो फलाना करूंगा, डिकना करूंगा। पर हमारे भैया गुप्ता जी देख लो भैया, प्रचार नहीं रुकना चाहिए, भाजपा का पक्का कार्यकर्ता है पक्को। वो अलग बात है, डॉक्यूमेंटेड में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मन से दिल से। ओ भैया पटका वटका बांध के यार, टूटा टुकड़ा हो जाइए। प्रचार ना छोड़ो, मोदी जी ना छोड़ो, मैं मोदी जी और योगी जी ना छोड़ो। हाँ बेटे, हाँ बेटे, तो इसी बात में वायरल कर दो, कर दो वायरल, कर दो मैं गुप्ता से वायरल करो। अगली गद्दी मुझे ही मिलनी चाहिए मोदी जी। ओला गद्दी मरको भाई। यहाँ पर दिखी हमें बहुत ही शानदार एक लोकेशन, इधर देखो एक ये क्रेटा है और यहाँ पे अपनी थार खड़ी हुई है। ये भाई पूरा भाई खुला एरिया भाई, नदी किनारे एकदम। हम यहाँ पे करेंगे अपना मैगी वैगी का सेटअप, ठीक है भाई? कब आशा जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, मजा आ रहा है सर एकदम, लद्दाख लग रहा बढ़िया एकदम बढ़िया। चलो तो फिर निकालो सिलेंडर प्लेंडर की बात भी बताना चाह रहा हूँ। जो है जो क्लाइमेट है इसको देखते हुए ना दूर हो जाती है, लेकिन सच्चाई पूछोगे तो गाड़ी के अंदर बंदे पड़ा हुआ क्या दो रखा है। अरे एक रहा था सिर पे पट्टी बांध ली, और एक बंदे ने बीजेपी का प्रचार कर रहा है सिर पे पट्टी नहीं बांधी है। जीत का सनी देवल है। तो चलो भाई करते हैं तैयारी यहाँ पर मैगी वैगी बनाने की। तो सब भाई देखो कोई टमाटर प्याज काट रहा है, हम अपना मैगी के पैकेट वैकेट खोल रहे हैं। और अब फर्स्ट टाइम मैंने भाई इस बार अपना जो कुकिंग कैंपिंग करी उसमें मैंने टमाटर काटे भाई, जो बात है। तो भैया देख लो हमारा तो सिलेंडर ने धोखा दे दिया, फिलहाल तो अभी तक जल नहीं रहा, बार बार थोड़ी थोड़ी फ्लेम पकड़ रहा, फिर उसके बाद बंद हो जा रहा हूँ। हाँ हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं हमारे बगल वाले, उन्होंने हमें घी दे दिया। अभी हमारी गाड़ी गई है मक्खन लेने के लिए, हमने घी इतने इंच लेके करे कार्रवाई शुरू। और यहाँ देख रहे हमारे गले एक भाई ने सिलेंडर को हम सीख लिया। नीतीश भाई भैया पूरे पक्के हैं, देखी थी है। मैगी बनेगी वरना कहीं देखेंगे ना, तो चुला चुला हम जाएगा नदी में। तरन तरन होते रहे, तरन तरन भाई ने साबित कर दिया एकदम बिल्कुल, सिलेंडर सही कर दिया पूरा, छेद पेज सब खोल दिया आके देखी थी भैया। भाई तो यूनिफॉर्म भी अलग ही था भाई, जो बात है पूरा सेटअप सही चल रहा है। अब घी तेरे हाथ में तो है, लेके खड़ा डालो ना इसमें कुछ। प्रियांशु भाई जरा इधर आना, कैमरा पकड़ना थोड़ा, हम भी कैप्चर हो जाए। हाँ जी सर क्या बन रहा है फिर आज? आज बन रहा भाई प्याज की सब्जी बना रहे हैं। प्याज बन रही है अभी, मैगी रखी हुई सामने हमने, बस वेट हो रहा है कि जल्दी से भुने प्याज बन जाएंगे। ये तो बताओ तो टमाटर काटे करो, मैंने पहली बार, आज पहली बार बड़ा टमाटर काटे भाई, पहली बार ही टमाटर काटे भाई। भैया ये क्या हिला रहे हो, ये क्या हो रहा है? अरे कॉफी बन रही है भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? कॉफी है, देख 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 देख, ना माने ना माने, करो गुत्तीलाल। लो जी लो भाई, हो गई हमारी मैगी तैयार बनके एकदम फर्स्ट क्लास। मैगी बनाओ, भैया का काम कर दूं। क्या बात है भाई, पहले खा लो भाई, पहले उसके बाद खा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपना मैगी वैगी खाते हैं।
रियली मजा आ गया जो आज हमने की नई कैंपिंग। रियली यार इसका भी एक अलग ही मजा है। और कैंपिंग तो खैर नहीं कह सकते बट इसको हमने रिवर साइड एक कुकिंग करी अपनी, तो रियली यार बहुत मजा आया जो बात है। बस थोड़ी बहुत कमी ये होगी धूल उड़ रही है ना ज्यादा इसकी वजह से, बस अदरवाइज ऐसे भाई फुल मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हुंदर तो यहाँ पर भाई मुझे अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि भाई यहाँ पर पीछे हवा इतनी तेज चल रही थी मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हम पहुँच चुके हैं नुब्रा वैली और आज हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं अपना कार्टिंग, गो कार्टिंग करेंगे आज हम। तो चलते हैं भाई आज अपना कार्टिंग करते हैं। जैसे ड्राइविंग ना आती हो वो अपना खड़े खड़े हमारी वीडियो बनाना। चार्जेस बताऊँ आपको मैं इसके 8 राउंड मारने के 1000 रुपये चल के चलो करते हैं। इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा देख लो देख लो सभी। अरे सर तू सर डीजल बहुत बढ़िया मजा आ गया। तो भाई कैसा लगा? बढ़िया मजा एकदम। एक जयकारा होना चाहिए बोला बाबा मोहन लो। पहुंच गए हैं हुंदर जो कि नुब्रा वैली में काफी ज्यादा फेमस जगह है और यहीं पे मिलते हैं भाई दो कमर वाले ऊंट देखने को हमें। तो हम पहुंच चुके हैं, बस अपना दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर है इधर, ये राइट में कट है तो बस अपनी जो दूसरी गाड़ी और आ रही है उसे लेकर फिर हम सीधा अपना आगे के लिए चलेंगे अपने स्टे के लिए। आज रात का हमारा स्टे है भाई डून जंक्शन, ये है भाई हुंदर में और काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी लगी इसकी जो हमने अभी इसी कैंप वगैरह देखी। तो गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं फिर आपको यहाँ का सारा एक्सप्लोर करवाएंगे। बढ़िया प्राइस लगे 1000 रुपीज पर पर्सन विद डिनर और ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर भाई हमने थोड़ी बहुत अपने कैमरे के थ्रू गैलेक्सी को हमने यहाँ पे कैप्चर किया। तो भाई वीडियो में तो खैर वो चीज़ नहीं दिख पा रही है बट मैं आपको फ़ोटो के थ्रू शेयर करता हूँ, ठीक है। एक भाई ये है हमारे साथ, ये भाई चंडीगढ़ से यहाँ तक आ रखे हैं स्कूटी लेके। बताओ हद हो गई, हम तो गाड़ी में परेशान हो गए, अगला स्कूटी ले आया है भैया हद कर दी बाबा। सो ये है भाई हमारा आज रात का सोने का सेटअप, एक कैंप है पूरा, उधर सामने वॉशरूम हो गया और ये हमारा बेड हो गया। सो कर देते हैं भाई अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी। और हाँ अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको और भी बहुत कुछ, तो भाई व्लॉग को मिस मत करो, व्लॉग देखते रहो भरपूर, ठीक है। जरा अपना प्यार देते रहो बराबर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।